हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी रसोई। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से बनने वाली स्नैक्स की रेसिपी, जिसका नाम है स्टफ बेल पेपर। देखने में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है खाने में, उतना ही ज़्यादा टेस्टी और उतना ही ज़्यादा चीज़ी बनने वाला ये हमारा स्टफ्ड बेल पेपर की रेसिपी है। अगर आपके घर में कोई पार्टी होने वाली तो फिर आप इस रेसिपी को ज़रूर बना करके सबको खिलाइएगा, सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली और ये बहुत ज़्यादा झटपट बन करके रेडी हो जाती है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने तीन कलर के ऐसे शिमला मिर्च लिए हैं, जैसे कि लाल, पीला, हरा। अगर आपके पास कोई एक कलर का भी होगा आप उससे भी बना सकते हैं, दो कलर होगा उससे भी, या फिर अगर आपके पास तीनों हैं अवेलेबल हो सकते हैं तो आप इसको तीनों कलर से बना सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने शिमला मिर्च को बीस जैसे हाफ कट कर लिया था, और कट करने के बाद फिर मैं इसको ऐसे पतले पतले स्ट्रिप पर मैंने इसे इस तरीके से कट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा ना मोटा है ना ही बहुत ज़्यादा ये पतला है, तो सभी को इसी तरीके से हम एक साइज़ में हम इसको इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए, सभी लाल, पीला, हरा तीनों शिमला मिर्च को मैंने इस तरीके से कट करके पहले रख लिया था रिंग की तरह। उसके बाद फिर जो हम इसका जो बीट जो नहीं होगा शिमला मिर्च के अंदर, उसको भी ऐसे प्रॉपर कट करके निकाल देंगे, और इस पूरा शिमला मिर्च को हम इसे बीच से पूरा हम इसको ऐसे खाली कर देंगे। इसी तरीके से सभी शिमला मिर्च को पहले हम काट करके एक साइड में रख देंगे, उसके बाद फिर हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। दो मीडियम साइज़ के मैंने उबले हुए आलू लिए थे, जिसको मैंने अच्छे से अपने हाथ से इसको मैश कर लिया था। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का इसमें बारीक कटी हुई गाजर, एक मीडियम साइज़ का एक बारीक कटी हुई इसमें मैंने प्याज डाल दिया, जिसको मैंने एकदम बारीक बारीक महीन महीन मैंने इसको कट कर लिया था। उसके बाद फिर उसी में ही तीनों शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, थोड़ा सा लाल, पीला और हरा तीनों कट करके बारीक एकदम हमने इसी में डाल दिया। उसके बाद आप तीखा कितना खाते हैं, मैंने इसमें दो हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल दिए। आप तीखा कितना खाते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग मिर्च को डालिएगा। उसके बाद फिर हम इसमें डालें आधा छोटा चम्मच इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग, आधा छोटा चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स। उसके बाद फिर आप इसमें नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर अब इसी में हम ऐड कर रहे हैं, इसमें आधी कटोरी इसमें मैंने चीज़ डाल दिया है। चीज़ अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा कम पसंद है तो आप चीज़ की क्वांटिटी को आप थोड़ा कम कर सकते हैं। चीज़ डालने के बाद फिर आप सभी चीज़ों को प्रॉपर अच्छे से हम अपने हाथ से इसको हम अच्छे से मैश करेंगे, ताकि सभी चीज़ें प्रॉपर एक दूसरे के साथ अच्छे से मैश हो जाए। तो ये देखिए, एकदम आलू की एकदम अच्छे से ये स्टफिंग बन करके हमारी ये रेडी हो गई है। अब हम इसको साइड में रख देंगे, और ये देखिए हमने जो शिमला मिर्च को कट करके रखा था, उसके बाद फिर हम उसमें से एक शिमला मिर्च को लेंगे और उसी शिमला मिर्च के अंदर इस आलू की स्टफिंग को अच्छे से दबा करके अपने हाथ से ऐसे हम इसको भरेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ऐसे हम इसको दबा करके भर देंगे, और दोनों तरफ से अच्छे से अपने हाथ से हम इसको इस तरीके से दबा देंगे। और देखिए, एकदम अच्छे से इसकी फिलिंग एकदम बन करके रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम सभी शिमला मिर्च को पहले हम एक साथ भर करके रख लेंगे। तो ये देखिए, लाल, पीला, हरा तीनों को अच्छे से हमने भर लिया था, भर करके हम इसको साइड में रख देंगे। ये देखने में कितना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है, आप एक बार आप इसे ज़रूर इसको बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो ये देखिए, रेडी हो चुका है, और अब हम इसको तवे पे इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। एक तवा लिया था जिसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, उसे भी फिर मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच बटर डाल दिया था। जब बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो उसको हम पूरे तवे पर अच्छे से चारों तरफ हम इसको ऐसे फैला लेंगे। फिर जो हमने शिमला मिर्च को भर करके जो हमने रिंग को रेडी किया था, वो हम सभी शिमला मिर्च को एक एक करके उसी बटर के ऊपर डाल देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम डाल देंगे, और स्टफिंग को अच्छे से अपने हाथ से हम दबा भी देंगे, ताकि हम इसको तवे पे रखते समय कोई अगर स्टफिंग थोड़ी सी निकल जाएगी तो प्रॉपर से उसी रिंग के अंदर सेट हो जाएगी। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, एक से दो मिनट तक हम अच्छे से एक तरफ से हम इसको ऐसे सिकने देंगे। जब एक तरफ से अच्छे से जब थोड़ा सा ये सिक जाएगा, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, और चीज़ जो हमने डाला था वो हल्का सा जब मेल्ट होने लगेगा, उसके बाद फिर हम इसको बहुत ही केयरफुली हम इसको पलट देंगे, और पलटने के बाद हम इसको दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम केयरफुली सभी शिमला मिर्च को पहले हम इसमें एक साथ पलट देंगे। तो जब सभी शिमला मिर्च को प्रॉपर अच्छे से जब हम इसको पलट देंगे, उसके बाद अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है, या फिर अगर आपके पास चीज़ स्लाइस है, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसके ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे, क्योंकि हम चीज़ी स्टफिंग बना रहे हैं तो इस पर चीज़ डालना तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो सभी के ऊपर हम इसमें चीज़ डाल दिए हैं। चीज़ डालने के बाद आप इसके ऊपर पिज़्ज़ा सीजनिंग, या फिर अगर आपके पास आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं।
दे दे के सभी के ऊपर डाल देंगे और डाल करके हम इसको ढक देंगे। ढकने के बाद गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और एक से दो मिनट तक हम इसको अच्छे से दूसरे साइड से भी हम इसको पक जाने देंगे। और जब तक ये जो हमने चीज़ डाला जब तक प्रॉपर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसको इसी तवे पे मीडियम फ्लेम पर हम इसको ऐसे सिकने देंगे। तो ये देखिए हमारा चीज़ भी एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुका है और नीचे से भी प्रॉपर अच्छे से एकदम सिक चुका है, एकदम भी हल्का सा क्रिस्पी भी हो चुका है नीचे से। और जो हमने ये हमारा कैप्सिकम है वो भी प्रॉपर अच्छे से पक चुका है। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो स्टफ्ड बेल पेपर है वो हमारा बन करके रेडी हो गया है। और अगर आपको थोड़ा सा एक पीस आप चाहे तो आप शिमला मिर्च को कट करके भी देख सकते हैं कि हमारा शिमला मिर्च कितना ज़्यादा पका है। और अगर आपका शिमला मिर्च नहीं पका है तो आप इसको एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर आप इसको ढक करके छोड़ सकते हैं जिससे कि हमारा शिमला मिर्च प्रॉपर अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए हमारा शिमला मिर्च एकदम पक करके एकदम रेडी हो गया है। कितना ज़्यादा देखने में चीज़ी, कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, एकदम कलरफुल लग रहा है कि अगर आपको भी एकदम फटाफट आप भी इसे देखते ही आप भी इसे बनाने के लिए ज़रूर आप इसे जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली ये रेसिपी है। तो ये हमारा स्टफ्ड बेल पेपर बन करके रेडी हो गया है और अब हम इसे गर्मा गर्म इसे हम सर्व करेंगे खाने के लिए। तो ये देखिए हम इसको ऐसे सर्व कर दे रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारा बहुत ही झटपट मिनटों में बनने वाली बहुत ही ज़्यादा चीज़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली हमारा ये स्टफ्ड बेल पेपर हमारा बन करके रेडी हो गया। इसको बनाने में जितना ज़्यादा आसान है खाने में ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी और उतना ही ज़्यादा लाजवाब सी ये रेसिपी है। और अगर आपके घर में कोई पार्टी होने वाली है और आप कोई नई यूनिक सी रेसिपी अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार बना करके ट्राई करिएगा। घर के आने वाले सभी मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली ये रेसिपी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको एक पीस कट करके पे दिखा रही हूँ कि हमारा ये जो कैप्सिकम है कितना अच्छे से एकदम पक गया है और ये कितना ज़्यादा चीज़ी है हमारा बन करके रेडी हुआ है। तो फिर आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।